एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और पटना एयरपोर्ट से उनका काफिला निकल चुका है साइंस कॉलेज के लिए, जहां पटना यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ देर पहले तस्वीरें आपने देखी थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अगुवानी की थी एक गुलाब का फूल देकर। गुलाब का फूल उन्हें भेंट किया गया, उनका अभिवादन किया गया था, उनका स्वागत किया गया। और ये देखिए राज्यपाल सत्यपाल मलिक सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने पहुंचे और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ मिनटों तक उनका हाथ पकड़ के उनसे बातचीत करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि देश की राजनीति के दो बड़े चेहरे हैं, एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आज का दिन खास है बिहार के लोगों के लिए और पूरे बिहार के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना हो रहा है बिहार। एक दिन के दौरे पर हैं पटना में, पटना यूनिवर्सिटी के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह में हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद बिहार के मोकामा में उनका एक कार्यक्रम है, जहां लगभग 3500 करोड़ की योजनाओं का सौगात का उद्घाटन करने वाले हैं, शिलान्यास भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जैसा कि आप अशोक राजपथ की तरफ जाते हैं, तो जो जिस रास्ते से आप गुजरते हुए जाते हैं उस रास्ते में आपको म्यूजियम भी मिलता है, दिखता है, और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने पटना म्यूजियम देखा होगा। और साथ ही साथ बिहार सरकार के कामकाज की भी तारीफ की कि बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है, बिहार सरकार है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बहरहाल संबोधन में क्या कुछ सुनने को मिलता है इस पर हमारी खास नजर है, तो सबसे पहले जी बिहार झारखंड आपको दिखाएगा, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी आपको सुनने को मिलेगा। देश के साथ में सबसे पुराने विश्वविद्यालय में शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, व्यापार, समाज सेवा, खेलकूद, संस्कृति एवं सिनेमा आदि के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। इस विश्वविद्यालय की महत्ता का एक प्रतीक है कि मंचासीन 10 सदस्यों में से 7 सदस्य पटना विश्वविद्यालय के ही छात्र रहते हैं। इस विश्वविद्यालय के संबंध हर कॉलेज की अपनी पहचान है। पटना कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज, पटना ट्रेनिंग कॉलेज देश में शिक्षा के अग्रणी केंद्रों में है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नेपाल में महिलाओं के बीच उच्च शिक्षा का बीच पटना विश्वविद्यालय ने ही बनाया है। आज हमारे यहाँ 38 पोस्ट ग्रेजुएट और 10 कॉलेजों में करीब 28,000 छात्र छात्राएं हैं। छात्राओं की संख्या छात्रों से ही अधिक है। 2015 के दीक्षांत 80% गोल्ड मेडल पर छात्राओं ने कब्जा जमाया था। बिहार में महिला सशक्तिकरण की सफलता की दिशा में पटना विश्वविद्यालय का यह बड़ा योगदान है। उच्च शिक्षा में छात्राओं की शुल्क माफी, लाइफ स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड जैसी राज्य सरकार की योजनाओं ने ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो में वृद्धि में काफी मदद की है और पटना विश्वविद्यालय ने इस दिशा में भी योगदान दिया है। महोदय, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत नेशनल अकेडमिक डिपॉजिट स्कीम के तहत डिजिटाइजेशन स्टार्टअप के अंतर्गत अटल इन्फ्लेशन सेंटर की स्थापना का प्रयास शिक्षकों को सामुदायिक विकास से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार के हर शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को मिले। विश्वविद्यालय ने 101 वर्ष से अर्थात 218 से 12 नए स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना का निर्णय लिया है, जिनका नामांकन अगले सत्र से शुरू होगा। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, बायो टेक्नोलॉजी, वुमेन स्टडीज इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। बंधु, 100 साल के समारोह और कार्यक्रमों का हम सभी गवाह हैं। जब 100 वर्ष बाद यह विश्वविद्यालय अपना 200वां समारोह मनाएगा, हम आप तो नहीं रहेंगे। इस समारोह की गाथा गाने के लिए कोई और नहीं, पटना विश्वविद्यालय के यह प्रांगण और इसके भवन और इसके खेलकूद के मैदान ही रहेंगे। राष्ट्र में जो भी खामियां रही हो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूं और हर सफलता के श्रेय इस विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, जिला प्रशासन और यहां हर उपस्थित सदस्यों के नाम जाता है। जय भारत, जय बिहार, जय पटना विश्वविद्यालय। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं पटना साइंस कॉलेज के पूर्व के छात्र
पटना विश्वविद्यालय के स्नातक और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी से कि कृपया आप हम सबों को। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज की पहली तस्वीर जो कि लाइव तस्वीर है, और अब डिप्टी सीएम सुशील मोदी का संबोधन हो रहा है। इसके पहले पटना यूनिवर्सिटी के वीसी का संबोधन आप सुन रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, श्री उपेन्द्र कुशवाहा जी, बिहार के शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन वर्मा जी, और आज शताब्दी समारोह में उपस्थित बहनों और भाई मित्रों, पटना विश्वविद्यालय के 100 वर्षों के इतिहास में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका आगमन प्रधानमंत्री के नाते इस विश्वविद्यालय के गर्व हुआ। इंग्लैंड में टेम्स नदी के किनारे अवस्थित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के तर्ज पर अंग्रेजों ने गंगा नदी के किनारे पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उस जमाने में इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। एक समय में इसका कार्य क्षेत्र पूरा बिहार, उड़ीसा, नेपाल तक फैला था। इसके विशेष करके साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज और पटना मेडिकल कॉलेज की ख्याति पूरे देश और दुनिया में थी। मुझे अभी तक याद है जब हम लोग मैट्रिक पास किए इस अवसर में पटना विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए लोग तरसते थे। मैट्रिक पास करने वाले छात्रों का एक ही सपना होता था कि एक बार कम से कम पटना विश्वविद्यालय में नामांकन हो जाए। और पटना विश्वविद्यालय में नामांकन का मतलब था समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाना। अगर आपने किसी को बता दिया कि मैं पटना साइंस कॉलेज का छात्र हूं, पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूं, तो समाज में उसका कद बढ़ जाता था, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राजनीति, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, इतिहास, कला, संगीत, न्यायपालिका, चिकित्सा, नौकरशाला, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है यानी समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में देश की हूज हो और भूख हो इस विश्वविद्यालय ने पैदा किया। अगर इस विश्वविद्यालय की देन नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और रविशंकर प्रसाद जैसे लोग हैं तो लालू प्रसाद यादव इसी विश्वविद्यालय की देन। इसी पटना विश्वविद्यालय में बिहार के छात्र नेताओं का सम्मेलन हुआ था जिसमें उनसे 1974 के जेपी आंदोलन से नींव रखी गई थी। इसी विश्वविद्यालय में जयप्रकाश सिंह ने आकर छात्रों को संबोधित करते हुए 1973 में कहा था, मुझे परिवर्तन की आस प्रदान कर रही है। अगर पटना विश्वविद्यालय नहीं होता, अगर पटना विश्वविद्यालय नहीं होता तो जयप्रकाश नारायण लोक नायक नहीं बने होते। अगर पटना विश्वविद्यालय नहीं होता तो देश की केंद्रीय सत्ता में 1977 में परिवर्तन नहीं हुआ होता। मेरे मित्रों और मित्रों, आज जिस मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद हो, मुख्यमंत्री मौजूद हो, यानी जिस मंच पर एक साथ पीएम और सीएम एक साथ मौजूद हो, उस विश्वविद्यालय के पुराने गौरव को लौटाने में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मित्रों, हम लोगों ने बिहार का गौरव लौटा दिया, अब पटना विश्वविद्यालय के गौरव को लौटाने की आवश्यकता है। तो आइए आज के दिन सभी पूर्ववर्ती छात्र और जो वर्तमान छात्र शिक्षक हैं वो संकल्प थे कि जिस समय स्थापना हुई थी उस समय का जो गौरव था वही गौरव फिर से पटना विश्वविद्यालय में लौटा कर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। मैं सादर आग्रह करता हूं पटना साइंस कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र, तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्नातक, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय श्री
नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल, स्व पटना विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सत्यपाल मलिक जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री रामविलास पासवान जी, केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, बिहार विधानसभा के और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, पटना विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति श्री रास बिहारी सिंह जी, पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी एवं कर्मचारीगण, छात्रगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहां उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही गौरव का दिन है। पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया और आज वे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और यहां पर बैठे हुए हम सब लोग तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और यहां पर वाइस चांसलर साहब ने कार्यक्रम का आयोजन किया और ये जो लॉन है उसकी याद ताजा हो गई। मैं 1966 में मैट्रिक पास करने के बाद साइंस कॉलेज में ही प्री साइंस की पढ़ाई करने आया और इस कॉलेज के बारे में तो आम लोगों के बीच में ही चर्चा होती थी कि साइंस कॉलेज एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज और उस समय जो भी मैट्रिक पास करता था उसका उसके माता पिता या उसके जो भी परिजन थे उनकी एक ही आकांक्षा होती थी अगर उसने साइंस से पास किया है तो लोगों की अभिलाषा होती थी कि साइंस कॉलेज पटना में उसका नाम लिखा जाए, एडमिशन हो जाए और अगर आर्ट्स में पढ़ा है तो पटना कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए। अब यही एक एस्पिरेशन होता, हम सब लोगों का एस्पिरेशन था कि साइंस कॉलेज में पढ़ ले, पटना यूनिवर्सिटी में चले जाए और उसमें बेहद प्रसन्नता हुई कि साइंस कॉलेज में नामांकन हुआ और प्री साइंस की पढ़ाई नहीं हमने पूरी की और इसके ठीक बगल में सटा हुआ है बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें फिर नामांकन के ठीक बगल में सटा हुआ है बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें फिर नामांकन हुआ, वहीं हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़े और साइंस कॉलेज से मेरे मन में यह आकर्षण था कि मेरी इच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की नहीं थी लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा थी कि इंजीनियरिंग पढ़े। तो जब वहां एडमिशन हुआ तो 7 दिन तक यहां बीएससी पार्ट वन में तो एडमिट थे ही, यहां इसके बाद वहां एडमिशन हो गया था तो इच्छा ही नहीं करती थी कि यहां से हम वहां जाएं लेकिन अंतोगत्वा वहीं नामांकन हुआ था तो वहां जाना पड़ा। वहीं से यूनिवर्सिटी ठीक ही कहा, इसकी तो इतनी शोहरत थी और इस देश का 7वां विश्वविद्यालय, इतना पुराना विश्वविद्यालय है ये और इसका कितना नाम था। और जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार उड़ीसा एक प्रांत बना
पटना उसकी राजधानी बनी और उसी समय ये मांग उठने लगी थी कि पटना में भी विश्वविद्यालय बनना चाहिए, पटना विश्वविद्यालय होना चाहिए। और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना और 1917 का साल तो अद्भुत है। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई और 1917 में ही बापू बिहार आए और चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो जो 1917 का साल है हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव का वर्ष है। इसलिए हम लोगों को खुशी है कि पहली बार पटना विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री आए। पता चला कि यहां नेहरू जी को आना था लेकिन आ नहीं सके, और एक बार आए भी तो दरभंगा हाउस में गए, वो कोई पटना विश्वविद्यालय का कार्यक्रम नहीं था। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आना हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है। पीएम तो ने तो समय दे दिया था पिछले वर्ष ही, जब शताब्दी की शुरुआत हुई थी उसी समय कार्यक्रम आयोजित करने का विचार पटना विश्वविद्यालय का था। और एक तरह से सैद्धांतिक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष सहमति दी थी। इसी साल, पिछले वर्ष नहीं, आप पिछले इसी वर्ष जनवरी में जब ये प्रकाश पर्व के अवसर पर आने वाले थे, लेकिन प्रकाश पर्व का अपना महत्व था, 350वां प्रकाश पर्व, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया था, तो उसको देखते हुए यह हुआ कि पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में अलग से पीएम आएंगे। और हम सब लोगों को खुशी है कि आज आपने समय दिया और यहां उपस्थित हुए। अब सबकी कितनी बड़ी भूमिका, जेपी यहीं से निकले, दिनकर जी यहीं से पढ़े और इस विश्वविद्यालय के पढ़े हुए जो लोग थे उसमें से तो दो दो भारत के चीफ जस्टिस बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल बने, मंत्रीगण तो केंद्र में बहुत बने, लेकिन अगर अधिकारियों की सूची देखिएगा तो आजाद भारत में सूची देखिएगा तो बिहार से पटना विश्वविद्यालय से पास किए हुए लोग आईएएस आईपीएस और आईएफएस में सब में आप देखिएगा कि बड़ी संख्या में लोग मिलेंगे। यहां से तो हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय तो 22-23 लोगों का यूपीएससी में कंपीट करना तो साधारण बात थी। तो इसका पूरा संबंध मेरिट से रहा है और आज आप आ चुके हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो लोगों के मन में पूरी आकांक्षा जग गई। हर बिहारवासी के मन में आकांक्षा है, लेकिन जिसका भी पटना विश्वविद्यालय से सरोकार है वो आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। भाई हम लोग संसद में थे तो न जाने कितनी बार हम लोगों ने मांग किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। अब आप देख सकते हैं मुझे कुछ नहीं ज्यादा। और पटना विश्वविद्यालय में गुणवत्ता का प्रश्न हो, विद्यार्थियों की, और पटना विश्वविद्यालय प्रतिबद्धता हो, इन सब चीजों को देखते हुए और पटना विश्वविद्यालय का जो गठन हुआ वो 1917 में हुआ, बापू के चंपारण सत्याग्रह के वर्ष में हुआ और चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी पूरा हुआ है, समारोह चल रहा है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी कृपा करिए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए। मैं समझता हूं कि आज नहीं
अगले 100 वर्ष तक भी कोई नहीं भूलेगा पटना विश्वविद्यालय का या बिहार का एक भी व्यक्ति पटना विश्वविद्यालय का या बिहार का एक भी व्यक्ति। किसान पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना और किनकी मेहरबानी से बना, इसलिए मुझे। और पटना विश्वविद्यालय जब बना था तो हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जब पटना विश्वविद्यालय बना था तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही बिल आया था, यानी केंद्र से ही पारित हुआ था। आज तो वो संसद कहलाता है लेकिन उस समय अंग्रेजों के जमाने में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी देश की, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसी में एक्ट बना और पटना विश्वविद्यालय का गठन हुआ। डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू, पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्ना साहब, मौलाना मजरुल हक साहब, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो मुझे पूरा भरोसा है जब देश के पहले प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं 100 साल पूरा होने पर और 2017 में, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हम सब लोग जो पटना विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों के द्वारा पहल की गई है, केंद्र सरकार के द्वारा आपके कार्यकाल में और ज्यादा पहल हो रही है शिक्षा की गुणवत्ता पर। और सबसे बड़ी बात है, जब समाज शिक्षित नहीं होगा तो हम सही मायने में विकसित नहीं हो सकते। और यही नहीं, जब बापू आए थे चंपारण सत्याग्रह में, न सिर्फ निर्लोभ के अत्याचार के खिलाफ लोगों को जगा दिया, लोगों के मन से डर निकाल दिया और उन पर जो अत्याचार होते थे उससे संबंधित कानून बदले गए, चंपारण एग्रेरियन लॉ बना, लेकिन साथ साथ बापू रहे और लोगों को इस बात का के लिए तैयार करते रहे कि स्वच्छता पर ध्यान दो। और आपका बहुत बड़ा कार्यक्रम है स्वच्छता, और आपने स्वच्छता को इतनी अहमियत दी है कि आपने उसका नाम स्वच्छाग्रह भी किया है। हम सब इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं। उस स्वच्छता की बात बापू ने की चंपारण में, शिक्षा की बात बापू ने की चंपारण में, और वहां कोई स्कूल नहीं था, उन्होंने 6 स्कूलों की स्थापना की थी, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति कोई जागृति नहीं थी, ये सब जागृति भी लाई। सिर्फ किसान आंदोलन नहीं बल्कि इसके साथ साथ बापू का यह संदेश था। और यही नहीं, छुआछूत और जात पात के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने संदेश दिया था। तो यह जो अविस्मरणीय क्षण है 2017 में, 1917 के 100 साल के बाद आपका पदार्पण हुआ है, तो इस उपलक्ष्य में अगर पटना विश्वविद्यालय जो अपने काम के बदौलत अपने मेरिट पर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाता था, आज कम से कम आपकी मदद से फिर ऊंचाइयों पर चढ़ जाए और केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसको रुतबा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया है और यहां के बाद आप मोकामा में चल के, इसी पटना जिला में है टाल क्षेत्र में, वहां से अनेक आपने बिहार को जो तोहफा दिया है उसका आप कार्य आरंभ करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले। और आज मैं हृदय से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे और उन्होंने मुझको कहा कि आप लोगों ने म्यूजियम बनाया है, क्या मैं पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के बाद उस म्यूजियम को देख सकता हूं। हमने कहा हम लोगों के लिए इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात क्या होगी। तो आप जाइएगा जो बिहार संग्रहालय बना है, अरे बिहार तो भूमि है आप सबको मालूम, ज्ञान की भूमि, भगवान बुद्ध को ज्ञान यहीं प्राप्त हुआ, इसी बिहार की धरती पर, भगवान महावीर का जन्म यहीं, ज्ञान की प्राप्ति यहीं, निर्वाण यहीं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना यहीं की, आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य प्रदान किया, वो यही धरती है। तो बिहार का जो अतीत है गौरवशाली अतीत, और उसको ध्यान में रखते हुए जो संग्रहालय है उसका भी आप निरीक्षण करेंगे, आपका हमें जरूर मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, तो इसके लिए भी मैं अपनी प्रसन्नता का इजहार करता हूं। और आपका
तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे जितने यहां लोग बैठे हैं, शिक्षक, छात्र छात्राएं, पूर्ववर्ती लोग, सभी एल्यूमिनाई लोग, मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, सबका मैं अभिनंदन करते हुए वाइस चांसलर साहब को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं। ये पटना यूनिवर्सिटी से ही ज्योग्राफी के प्रोफेसर रहे और अभी हाल में इन्होंने ज्योग्राफी के कार्यक्रम में मुझको बुलाया, तो ज्योग्राफी का, भूगोल का जो अपना महत्व है और बिहार की भूमिका है, समतल जमीन है, समतल जमीन है बिहार, दुनिया के चंद इलाकों में ही इतनी समतल जमीन है, यूपी में भी है, कई जगहों पर है, लेकिन इतनी समतल जमीन भी है। तो भूगोल के विद्वान आज हमारे वाइस चांसलर हैं और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री भी यही दिखाई पड़ रहे हैं, अशोक चौधरी जी, मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय पटना विश्वविद्यालय। हम सभी सादर आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। हम सभी आह्लादित हैं, गौरवान्वित हैं कि पटना विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हमारे बीच पधारे हैं। हम सभी अपनी सच्ची कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से संबोधन के लिए हम सभी आपसे सादर आग्रह करते हैं। श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रामविलास जी, रविशंकर जी, अश्विनी जी, उपेंद्र जी, राज्य के उपमुख्यमंत्री श्रीमान सुशील मोदी जी, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान राजश्री प्रसाद सिंह जी, यहां के शिक्षा मंत्री श्रीमान केएन प्रसाद वर्मा जी और विशाल संख्या में उपस्थित सभी नौजवान साथियों, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शरीक हो रहा हूं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं और मैंने देखा है कि पहले जितने प्रधानमंत्री हो गए वो कई अच्छे काम मेरे लिए बाकी छोड़ के गए हैं। और वैसा ही अच्छा काम करने का मुझे आज सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले इस पवित्र धरती को नमन करता हूं। क्योंकि आज हमारा देश जहां भी है उसे यहां तक पहुंचाने में
इस यूनिवर्सिटी कैंपस का बहुत बड़ा योगदान है। चीन में एक कहावत है कि अगर आप साल भर का सोचते हैं तो अनाज बोइए, अगर आप 10-20 साल का सोचते हैं तो फलों का वृक्ष बोइए, लेकिन अगर आप पीढ़ियों का सोचते हैं तो आप मनुष्य को बोइए। ये पटना यूनिवर्सिटी उस बात का जीता जागता सबूत है कि 100 साल पहले जो बीज बोया गया 100 साल के भीतर अनेक पीढ़ियां यहां आकर के मां सरस्वती की साधना करके आगे निकल गई, लेकिन वो साथ साथ देश को भी आगे ले गई। यहां पर कुछ राजनेताओं का जिक्र हुआ कि इसी यूनिवर्सिटी से निकल करके किस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर उन्होंने सेवाएं की है, लेकिन मैं आज अनुभव से कह सकता हूं आज हिंदुस्तान का शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जहां सिविल सर्विस का नेतृत्व करने वाले पहले 5 लोगों में बिहार की पटना यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी न हो, ये हो नहीं सकता। इन दिनों में भारत सरकार में राज्यों से आए हुए हर छोटे मोटे अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा हूं, डेली 80-90-100 लोगों से बात करने के लिए बैठता हूं, 1.5-2 घंटे बातचीत करता हूं, और मैं अनुभव करता हूं कि उसमें सबसे बड़ा बल्क बिहार का होता है। सरस्वती की उपासना में अपने आप को खपा दिया है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब हमें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को साथ साथ चलाना है। बिहार के पास सरस्वती की कृपा है, बिहार के पास लक्ष्मी की कृपा भी बन सकती है, और इसलिए भारत सरकार की सोच ये सरस्वती और लक्ष्मी का मिलन करते हुए बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। नीतीश जी का जो कमिटमेंट बिहार के विकास के प्रति, उनकी जो प्रतिबद्धता है, और भारत सरकार पूर्वी भारत के विकास के लिए संकल्पबद्ध है, ये दोनों अवधारणाएं 2022 जब देश आजादी के 75 साल मनाए तो मेरा बिहार राज्य भी हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों की बराबरी में आकर खड़ा रहे, उस संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। हमारे ये पटना नगरी गंगा जी के तट पर है, और जितनी पुरानी गंगा धारा है बिहार उतनी ही पुरानी ज्ञान धारा का
विरासत का मालिक है। जितनी पुरानी ज्ञान धन गंगा की विरासत है आपकी, जैसे जितनी पुरानी गंगा धारा की विरासत आपके पास है। और हिंदुस्तान में जब भी चर्चा आती है नालंदा विक्रमशिला को कौन भूल सकता है। मानव जीवन के संशोधन के क्षेत्र के 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 वो विरासत अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा और सबसे समृद्ध इतिहास का स्थान रखता है। उसी की कोख में भावी इतिहास गर्भाधान करता है। जो इतिहास को भूल जाता है उसकी कोख बांझ रह जाती है। और इसलिए भावी इतिहास के निर्माण का गर्भाधान भी समृद्ध शक्तिशाली भव्य दिव्य भारत का सपना भी उसका गर्भाधान इसी धरती पर संभव है और इसी धरती पर से पुलकित होने का सामर्थ्य है। क्योंकि इसके पास वो महान ऐतिहासिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, जीते जागते उदाहरण है। मैं समझता हूं इतना बड़ा सामर्थ्य शायद ही किसी के पास होता है। एक समय था जब हम यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेज में सीखने के लिए जाते थे, लेकिन वो युग समाप्त हो चुका है। आज विश्व जिस तेजी से बदल रहा है, मानव की सोच जिस प्रकार से बदल रही है, सोचने का दायरा जिस प्रकार से बदल रहा है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जीवन की सोच को, जीवन के व्यवहार को, वे ऑफ लाइफ को आमूलचूल परिवर्तन कर रहा है, तब हमारी यूनिवर्सिटीज भी यूनिवर्सिटी में आने वाले हर नए विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये है। चुनौती ये नहीं है कि नया क्या सिखाएं, चुनौती ये है कि पुराना जो सीख करके आया है उसे कैसे भुलाएं। अनलर्न करना, डीलर्न करना और बाद में रीलर्न करना, ये आज के युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। फोर्ब्स मैगजीन के मिस्टर फोर्ब्स ने एक बार कहा था, शिक्षा की बड़ी मजेदार परिभाषा उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का काम है दिमाग को खाली करना। हमारी सोच क्या रही? दिमाग को भरना, रटते रहना, नई नई चीजें रटते रहना, भरते रहना। फोर्ब्स का कहना है शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को खाली करना, और आगे कहा दिमाग को खुला करना। अगर सच्चे अर्थ में युगानुकूल परिवर्तन लाना है तो हम सबको भी हमारी यूनिवर्सिटीज में दिमाग खाली करने का अभियान चलाना होगा, दिमाग खोलने का अभियान चलाना होगा। जब खुलेगा
तो चारों तरफ से नए विचारों का प्रवेश की संभावना बनेगी। जब खाली होगा तो नए भरने के लिए जगह बनेगी, और इसलिए आज की यूनिवर्सिटीज उसे लर्निंग टीचिंग नहीं, लर्निंग को बल देते हुए आगे चलना है। और समय की मांग है कि हम हमारे शिक्षा संस्थानों को उस दिशा में कैसे ले जाएं। मानव संस्कृति के विकास यात्रा को देखा जाए तो एक बात जिसमें कंसिस्टेंसी है, सातत्य है, और वो है इनोवेशन, नवाचार। हर युग में मानव जात लाइफस्टाइल में उसको जोड़ते चले गए हैं। दुनिया में वही देश प्रगति कर सकते हैं जो देश इनोवेशन को प्राथमिकता देते हैं, संशोधन को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन संशोधन एक तरफ थोड़ी सी चेक करने के लिए कॉस्मेटिक चेंज को संशोधन नहीं माना है। विज्ञान के जीवन के मूलभूत मूल्य और सिद्धांतों के ऊपर काल बाहर सुंदर मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढना और भविष्य को ध्यान में रखकर नए रास्ते लीड करना, नए सुधारा नहीं निकलाना और जीवन को नए सिद्धांतों को ले जाना संशोधन का क्षेत्र है। समाजशास्त्र भी इनोवेटिव वे में समाज को दिशा दे सकता है, और इसलिए हमारी यूनिवर्सिटियों का महत्व है। आने वाले युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब विश्व जिस प्रकार से ग्लोबलाइज हुआ है तो कॉम्पिटिशन भी ग्लोबलाइज हुई, स्पर्धा भी वैश्विक हुई, और आज हम सिर्फ अपने ही देश में स्पर्धा करने से चल पाएंगे, अड़ोस पड़ोस से स्पर्धा करने का चल पाएंगे एक वैश्विक परिस्थिति में, और भविष्य की परिस्थिति के संदर्भ में भी हमें उस स्पर्धा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। देश को अगर आगे बढ़ाना है, नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, बदलते हुए विश्व में हमें अपनी जगह ताकत के साथ खड़ी करनी है, तो हमारी युवा पीढ़ी के द्वारा इनोवेशन को जितना बल दिया जाएगा हम दुनिया के अंदर एक ताकत के साथ खड़े हैं। जब आईटी इनोवेशन आया, किस प्रकार से विश्व का भारत के प्रति सोचने का बदलाव शुरू हुआ, वरना दुनिया हमें हमेशा सात सपेरों वाला देश मानती थी। दुनिया की यही सोच थी कि भारत यानी काला जादू, भारत यानी भूत प्रेत, भारत यानी अंधश्रद्धा, भारत यानी सांप और सपेरे की दुनिया। लेकिन जब आई की रिवॉल्यूशन में जब हमारे देश के 18-20 साल के बच्चे उंगलियों पर दुनिया को एक नई दुनिया दिखाना शुरू कर दिया तो विश्व चौकन्ना हो गया। ये क्या चीज लेकर के भाई बच्चे बता रहे, भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। मुझे बराबर याद है जब मैं कई वर्षों पहले एक बार ताइवान गया, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, चुनाव की दुनिया से मेरा नाता नहीं था, वहां की सरकार के निमंत्रण पर गया। तो मेरे साथ एक इंटरप्रेटर था, 10 दिन के मेरी वहां टूर थी, वो इंटरप्रेटर मुझे बातचीत के माध्यम के रूप में मेरे साथ रहता था। अब
दस दिन साथ रहे थे, थोड़ी परिचय हो गया, थोड़ा दोस्ती का हो गया। तो 6-8 दिन के बाद उसने एक दिन मुझे पूछा, बोले साहब आपको बुरा ना लगे कि मुझे कुछ जानकारी थी। मैंने कहा जरूर। बोले साहब आपको बुरा ना लगे तो मुझे कुछ जानकारी चाहिए। मैंने कहा जरूर पूछिए। बोले आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मैंने कहा नहीं नहीं लगेगा, बताइए ना क्या है। ठीक है साहब, फिर बाद में बात करता हूं। संकोचवश वो बोल नहीं पाया। फिर दोबारा जब हम ट्रैवलिंग में साथ थे तो मैंने फिर से निकाला। मैंने कहा भाई तुम वो पूछ रहे थे क्या था? बोले साहब मुझे बड़ा संकोच होता है। मैंने कहा चिंता मत करो, तेरे मन में जो है पूछो मुझे। वो कंप्यूटर इंजीनियर था। तो उसने कहा साहब यह हिंदुस्तान अभी भी वैसा ही है, साफ सफेरे वाला, जादू टोना वाला। वो मेरी तरफ देखता रहा। फिर मैंने उसको कहा मुझे देख करके क्या लगता है? तो थोड़ा वो संकोच में पड़ गया, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करने लगा। बोले सॉरी सॉरी सर, मैंने कुछ गलत पूछ लिया। मैंने कहा ऐसा नहीं भाई, तुमने मन में ये जो तुमने अरे जानकारी है, लेकिन अब हमारा थोड़ा पहले जैसा नहीं रहा है, थोड़ा डिवैल्यूएशन हुआ है। बोले वो कैसे? मैंने पहले हमारे जो पूर्वज थे वो सांप से खेला करते थे, हमारी जो नई पीढ़ी है वो माउस से खेला करती है। वो समझ गया। वो घरेलू वाला चूहा नहीं, हॉस्पिटल वाला चूहा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये चीजें हैं जो देश की ताकत बढ़ा। लेकिन कभी कभार हम सिद्धांतों के आधार पर एक आध प्रोजेक्ट लेकर के, एक आध इनोवेटिव चीज बना करके शायद प्राइज भी जीत लेते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, और मैं 100 साल पुरानी पटना यूनिवर्सिटी जिसने देश को बहुत कुछ दिया है उस पवित्र धरती से देश भर के नौजवानों को आज आह्वान करता हूं, विद्यार्थियों को आह्वान करता हूं, फैकल्टीज को आह्वान करता हूं, यूनिवर्सिटीज को आह्वान करता हूं कि हम हमारे आसपास जो समस्या देखते हैं, सामान्य मानवी की जो कठिनाइयां देखते हैं, उसके समाधान के लिए कोई इनोवेटिव वे ढूंढ सकते हैं क्या? उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी ढूंढ सकते हैं क्या? उसके लिए टेक्नोलॉजी सस्ती हो, सरल हो, अफोर्डेबल हो, यूजर फ्रेंडली हो। अगर एक बार ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के इनोवेशन को हम बल देंगे, वो आगे चलकर के स्टार्टअप में कन्वर्ट होगा। हिंदुस्तान के नौजवान स्टार्टअप के माध्यम से यूनिवर्सिटी की शिक्षा दीक्षा का इनोवेशन, भारत सरकार की बैंकों के मुद्रा योजना से बैंकिंग मदद और स्टार्टअप की दिशा में कदम, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज दुनिया में हिंदुस्तान स्टार्टअप की दुनिया में 4th नंबर पर खड़ा है। देखते ही देखते हिंदुस्तान स्टार्टअप की दुनिया में अग्रिम पंक्ति में आ सकता है। और अगर वो आर्थिक विकास की एक नई दुनिया हिंदुस्तान के हर कोने में, हर युवा के हाथ में स्टार्टअप को लेकर के कुछ करने का इरादा हो, तो कितना बड़ा परिवर्तन और परिणाम मिल सकता है इसका मैं भली भांति अंदाज कर सकता हूं। और इसलिए देश की यूनिवर्सिटियों को मैं निमंत्रण देता हूं, मैं पटना यूनिवर्सिटी को विशेष रूप से निमंत्रण देता हूं कि आइए इनोवेशन को हम बढ़ावा दें, हम दुनिया से आगे निकलने के लिए अपनी महारत हासिल करें। और भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं है जी, और भारत भाग्यवान है कि आज हमारे पास 800 मिलियन देश की 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है।
मेरा हिंदुस्तान जवान है, मेरे हिंदुस्तान के सपने भी जवान हैं। जिस देश के पास ये ताकत हो वो दुनिया को क्या नहीं दे सकता है, वो देश अपने सपनों को क्यों पूरा नहीं कर सकता है, मेरा विश्वास है अवश्य कर सकता है। और इसलिए अभी नीतीश जी ने बड़े विस्तार से एक विषय को बड़ा आग्रह से रखा और आपने भी बड़ी ताकत दी उसको तालियां बजा बजा करके। लेकिन मैं मानता हूं एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी, ये बीते हुए कल की बात है, मैं उसे एक कदम आगे ले जाना चाहता हूं। और मैं आज यही निमंत्रण देने के लिए आज इस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में विशेष रूप से आया हूं। हमारे देश में शिक्षा क्षेत्र के रिफॉर्म बहुत मंद गति से चले हैं। हमारे शिक्षाविदों में भी आपसी मतभेद बड़े तीव्र रहे हैं और रिफॉर्म के हर कदम रिफॉर्म से ज्यादा समस्याओं को उजागर करने के कारण बने हैं। और उसी का परिणाम रहा है कि लंबे अरसे तक हमारे पूरी शिक्षा व्यवस्था में और खास करके उच्च शिक्षा में विश्व बदलते हुए विश्व की बराबरी करने के लिए जो इनोवेशन चाहिए, रिफॉर्म चाहिए, सरकारें उस पर कुछ कम पड़ गई है। इस सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, कुछ हिम्मत दिखाई है। अभी आप में से जिनको अध्ययन का स्वभाव होगा आपने देखा होगा, हमारे देश में कई सालों से चर्चा चल रही थी आईआईएम सरकारी कब्जे में रहे न रहे, स्वतंत्र रहे न रहे, आधा अधूरा स्वतंत्र रहे सरकार रहे। सरकार में लगता था हम इतना पैसा देते और हमारी कोई बात ही नहीं चलती तो कैसे चलेगा। मैं 1.5-2 साल तक सुनता रहा। और आपको जानकर के खुशी होगी और देश के एकेडमिक वर्ल्ड को भी जानकर के खुशी होगी, ऐसे विषयों की ज्यादातर अखबारों में चर्चा नहीं आती है। ये विषय ऐसे होते हैं कि वो खबरों में जगह जल्दी पाते नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने आर्टिकल जरूर लिखे हैं। पहली बार देश ने आईआईएम को पूरी तरह सरकारी कब्जे से बाहर निकाल करके प्रोफेशनली उसको ओपन अप कर दिया। ये बहुत बड़ा फैसला किया है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी के लिए आईएएस आईपीएस आईएफएस खेल है, वैसे आईएम के लिए, देश भर के आईएम इंस्टीट्यूट के लिए विश्वों को सीईओ सप्लाई करना वो बाएं हाथ का खेल रहा है। और इसलिए विश्व की इतनी बड़ी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट, सरकारी नियमों बंधनों बाबुओं के उसमें जाना आना मीटिंग को खींचना, ये सारी चीजों से हमने मुक्त कर दिया है। और मुझे विश्वास है कि हमने आईआईएम को इतना बड़ा अवसर दिया है, आईआईएम के लोग इस अवसर को एक अद्भुत मौका मान करके देश की आशा आकांक्षाओं के अनुकूल अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय करके देश को कुछ दिखा देंगे। और मैंने उनसे एक आग्रह किया है, आईएम के रिफॉर्म के अंदर एक बात को जोड़ा गया है कि अब आईएम को चलाने में आईएम के जो एलुमनाज है उनकी सक्रिय भागीदारी चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी जैसी पुरानी यूनिवर्सिटी से मेरा भी आग्रह है कि आपका एलुमना बहुत समृद्ध है, सामर्थ्यवान है, उस एलुमना को किसी भी हालत में यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ना चाहिए, यूनिवर्सिटी की विकास यात्रा का उसको भागीदार बनाना चाहिए। आप देखते
दुनिया में जितनी टॉप यूनिवर्सिटी है उसको आगे बढ़ाने में एल्यूमिना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। और सिर्फ मनी से नहीं, इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस, स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती है। हमारे देश में ये परंपरा बहुत कम मात्रा में है तो भी जरा उदासीन है। किसी एकांत फंक्शन में बुला लिया, माला वाला पहना दी, या तो दान मिला उससे जुड़ा रहता है। हमें एल्यूमिना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, उसके जीवन संपर्क की व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। जो मैं बात कर रहा था कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक कदम आगे जाना चाहते हैं, और मैं पटना यूनिवर्सिटी को उस एक कदम आगे ले जाने के